हेलो संगीता जी। हेलो प्रतिभा जी, सुनंदा जी, गीता जी, गायत्री जी, सबको हाय। देखिए, जैसे मैंने कल बताया था, पहले मैंने प्राइमर किया और उसके बाद मैंने ब्लैक कलर कर लिया है। और अब देखिए, ये जो बैक का टेक्सचर है, ये कितना सुंदर दिख रहा है। देखिए, ऐसा हमारी रेफरेंस पिक है। हेलो आशा जी, हेलो सुनीता जी, मेघा जी, हाय टू परवार। चलिए, आज का कलरिंग का सेशन स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये वाला ब्लैक मैं यूज़ करूँगी फिर, और मैं यूज़ करने वाली हूँ ये देखिए, ये फेविक्रिल का ना पर्ल मेटलिक कलर में, ये पर्ल मेटलिक गोल्ड। हेलो सुनीता जी, आज मुझे दो लोगों ने पोस्ट किया था अपना वर्क। एक तो है अर्पिता जी और दूसरी है सरोज जी। दोनों का ही काम बहुत सुंदर था। अर्पिता जी ने तो अपना काम पूरा कर लिया है और फिनिशिंग भी उनके काम में बहुत आई है, और सरोज जी का काम चालू है, उनका भी काम बहुत अच्छा है। आप सब ऐसे ही बनाते रहे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ये देखिए, जैसे इसमें ना गोल्डन है, बट आप देखेंगे तो प्रॉपर गोल्डन कहीं कहीं है। देखिए, जैसे यहाँ है प्रॉपर गोल्डन, यहाँ है, इसके टिप में है ना। तो हमको क्या करना है ना, अभी पूरा डायरेक्ट गोल्डन नहीं लगाएंगे हम। क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा मैं ब्लैक ऐड करूँगी, थोड़ा सा लेके, एकदम थोड़ा सा लेके ऐड करेंगे। ब्लैक ना थोड़ा सा अभी डार्क हो जाता है। वीडियो एंड ऑडियो क्लियर है कि नहीं, कोई मुझे एक बार बता दीजिए। देखिए, एक बात का ध्यान देंगे तो आप लोग, मैं इसमें ना पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं कर रही हूँ। और ये ना मेरे दो अलग अलग ब्रांड्स का है। देखिए, ये वाला कैमल का है। थैंक यू शिल्पा जी। ये देखिए, ये कलर मैंने लिया है, एकदम एग्जैक्ट गोल्डन नहीं है वो, है ना। अब मैं क्या करने वाली हूँ, एकदम वो ड्राई ब्रश टेक्निक यूज करने वाली हूँ मैं। ड्राई ब्रश टेक्निक में क्या होता है, हमको वाटर बिल्कुल यूज नहीं करना है। देखिए, मेरी ब्रश एकदम सूखी है। इसे हम बस धीरे धीरे, फिर हम जो एग्जैक्ट गोल्डन होगा ना, वो हम जहां जहां हाईलाइट है हम वहां हाईलाइट देंगे बस। नीचे साइड ना, इस तरफ देखिए, नीचे साइड ना थोड़ा डार्क ही रहने देना है, वहां ज्यादा हाईलाइट हमको करना ही नहीं है, हमको गोल्डन वहां ज्यादा लगाना ही नहीं है। ये हमारा ब्लैक एंड गोल्डन का मिक्स भी नहीं लगाना, वहां थोड़ा हम डार्क ही रहने देंगे। अपनी रेफरेंस पिक को देखते जाएं और साथ में हम कलर करना है बस। पानी में बिल्कुल भी ऐड नहीं कर रही हूँ, जिस तरफ डार्क ज्यादा है वहां हमको ब्रश बिल्कुल भी नहीं यूज करना है ना, ऐसा। ठीक है, बस यहाँ थोड़ा ब्लर करके छोड़ दिया मैंने, ये देखिए ऐसा।
हेलो उषा जी, मीनल जी, ममता जी, अर्चना जी, सबको हाय। यहाँ पे भी मैं सेम टेक्निक, सॉरी चूड़ी से बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। बस अब आपको ऐसे ही हाईलाइट करते चलना है, फिर हमको जहाँ ज्यादा हाईलाइटिंग लगेगा वहां हम प्रॉपर गोल्डन यूज करेंगे। बस एकदम हाथ को एकदम धीरे धीरे यूज करना है, एकदम प्रेशर नहीं लगाएंगे वरना ये ब्लैक कलर का इफेक्ट ही खत्म हो जाएगा। वो हमको खत्म नहीं होने देना है। ये ऐसा देखिए, इस कलरिंग में बहुत जल्दी कलरिंग होती है एक्चुअली। ये यहाँ भी सेम, बहुत ज्यादा कलर नहीं लेना है ब्रश में, एकदम कम कलर रखेंगे। हाय संध्या जी, ऐसा है ना, पूरा भरना नहीं है अच्छे से, एकदम कलर को एकदम कम कम लेना है कलर। एक्चुअली में पूरा कलर ना हमको ब्रश से वाइंड ऑफ कर देना है और पानी बिल्कुल भी नहीं लेना है। ये फिश हो गई, अब साथ साथ में मैं इधर की लीव्स कंप्लीट करते चलती हूँ। इसकी कलरिंग बहुत इजी हो जाती है क्योंकि सिर्फ हमको ड्राई ब्रश से। भारती जी कोई टेंशन मत लीजिए आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्रुप में सेव्ड है, आप कर देंगे। ओ थैंक्स फॉर द ब्यूटीफुल कॉम्प्लीमेंट सुनीता जी, थैंक यू। आप सब बना के पोस्ट करिए, वही मेरी फीस होगी, बनाइए और मुझे दिखाइए। मैं ऐसे ही और भी फ्री प्रोजेक्ट्स लेकर आते रहूंगी ग्रुप में, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे हम। ऐसा ठीक है, अब इसी प्रोसेस में मैं पूरा कंटिन्यू कर रही। अच्छा एक बात का ध्यान रखेंगे, जो हमने ये डेप्थ क्रिएट किया है ना, चाहे वो लीफ का हो चाहे फिश का हो, वहाँ हमको गोल्डन कलर नहीं देना है। वो गोल्डन एंड ब्लैक भी नहीं देंगे और गोल्डन भी नहीं देंगे। पहले ये कर लेते हैं फिर बेस करूँगी मैं। आज मैं फैन ऑन करके बैठी हूँ, इतना पसीना, यहाँ तो बहुत गर्मी है। आपकी तरफ कैसा है मौसम? भारती जी ग्रुप में सेव्ड है, आप ग्रुप में देखिए। एक चीज और,
कलर की फिनिशिंग ना हमारी तब बहुत अच्छी आती है अगर हमारा क्ले का वर्क बहुत अच्छा है ना। तो आप सब जब भी क्ले वर्क करें तो उसको फिनिशिंग में ध्यान रखना है, फिनिशिंग का, क्योंकि कई बार मेरा भी, जब मैं स्टार्ट करती थी, जी आनंदी जी, ये गोल्ड प्लस ब्लैक यूज़ किया मैंने, ये देखिए फेविक्रिल का है, पर्ल मेटेलिक गोल्ड, पर्ल मेटेलिक गोल्ड फेविक्रिल का है ना। अच्छा मैं क्या बता रही थी कि जब मैं भी शुरू में बनाती थी ना तो मुझे लगता था कि इतना तो हो गया, अब ना कलरिंग में ये और अच्छा आ जाएगा, बट क्या होता क्या है, कलरिंग में ना जो मिस्टेक्स होती है ना हमारी, वो और उभर के दिखती है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना है आपको कि हम जितनी अच्छी फिनिशिंग हमारे क्ले वर्क में लेके आएंगे ना, कलरिंग में वो उतना अच्छा आएगा। थैंक यू कंचन जी, थैंक यू। मैं कलर मेरा फिनिश हो गया था ना, फिर थैंक यू कामिनी जी। पूरा कलर वाइप ऑफ करके फिर थोड़ा थोड़ा सा कलर लेकर करना है। फ्री नेक्स्ट फ्री क्लासेस के लिए कोई मुझे कुछ अच्छा सा पिक्स पिक मुझे सेंड करिए तो मैं उसके लिए प्लान करती हूँ। फ्री क्लासेस हम करते रहेंगे, बस आप सब मेरे को फी के रूप में बना के दिखाते जाइए, मैं फ्री क्लासेस देते रहूँगी। बहुत अच्छा लगता है मुझे आप सबके साथ जुड़ना। थैंक यू आनंदी जी, थैंक यू। ये ऐसा हो गया, अब हम क्या करेंगे, इसके बेस में भी सेम प्रोसेस है ना। बस ब्रश को रैंडमली मूव करना है, एकदम ज्यादा हमको प्रेशर नहीं लगाना कि वो पूरा जो हमारा टेक्सचर है वो भर जाए, हमको टेक्सचर को उभारना है ना कि दबाना है। और हम जब गोल्डन से हाईलाइट करेंगे हमारी फिश तो हम टेक्सचर पे भी एक बार रन ऑफ कर देंगे। एकदम लाइट हैंड से हमको करना है, या ज़्यादा हो गया देखिए।
बस जरा जरा कहीं सब तरफ ब्रश चला रही मैं, जो हमने इतना ब्यूटीफुल टेक्सचर दिया है ना, वो टेक्सचर थोड़ा सा बस उभर जाए। नो आनंदी जी, इट्स नॉट हैवी, वेरी हैवी तो बहुत दूर हैवी भी नहीं है ये, बहुत लाइट वेट है, क्योंकि हमने जो फिश का बॉडी में मेन प्लेट लगा था उसमें तो हमने आधा एल्युमिनियम फॉइल लगा दिया है, और बाकी क्ले का वेट बहुत कम है। आप इजीली इसको हैंग कर सकते हैं वॉल पे, इजीली जैसे नॉर्मल पेंटिंग्स हैंग होती है ना, उतना मे बी आई थिंक इट विल डू। फिश का जो ये साइड साइड का एरिया है ना, इसको हम बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं कर रही मैं अभी तो, फिलहाल देखती हूँ करने के बाद। वैसे हम कर सकते हैं तक, क्योंकि इधर का एरिया डार्क है ना, तो हम इसको हाईलाइट करेंगे तो फिश हमारी उठेगी। मेघा जी, मैंने पहले भी पूछा था आपसे, चाइना क्ले क्या होता है, व्हाट इज चाइना क्ले। थैंक यू सुनंदा जी। अब हम क्या करेंगे इसमें, गोल्डन लूंगी मैं और ये स्पॉन्ज से करूंगी मैं। ये देखिए ऐसा जो स्पॉन्ज हमारा, ये तो मेरा सोफे का स्पॉन्ज है, ये कितना इंची है, 1 इंच, 1 इंच करीबन है। जी 1 इंच है ये, देखिए इस स्पॉन्ज से अब मैं फाइनल लुक दे देती हूँ। ये देखिए ऐसा ना, स्पॉन्ज को हमको ऐसा पकड़ना है, ऐसा प्रेस करके और उसमें कलर लेके। हाँ ऐसा हाईलाइट करना है बस। ये सेम प्रोसेस आप ब्रश से भी कर सकते हैं, मैं ब्रश से भी बता देती हूँ। एकदम धीरे धीरे करना है ये। मैं कितना धीरे धीरे डैबिंग कर रही हूँ ये तो आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा ना।
एकदम धीरे धीरे डैबिंग करना है, वरना ना वो शेडिंग नहीं होती, वो क्या होता है वहां कलर भर जाता है, वो हमको नहीं करना है। देखिए कहीं कहीं हाईलाइट हो रहा है, नहीं मेघा जी मुझे ना कोई भी आइडिया नहीं है चाइना क्ले पाउडर का, और अगर कोई ग्रुप में जानता है तो प्लीज मेघा जी की हेल्प करेंगे। ठीक है ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना ये स्पॉन्ज का वर्क जो मैं कर रही हूँ। देखिए ऐसा प्लेट में लेकर मैंने जो किया है मैं बताती हूँ, ये देखिए ऐसा इसको प्रेस करके दबा के मैंने पकड़ा है ऐसा, है ना। अब थोड़ा सा इसमें लेकर थोड़ा सा ऐसे लेके इसको मैंने यहाँ पे वाइंड ऑफ कर दिया है ना, एक्स्ट्रा जो रहेगा वो निकल जाएगा। अब इसके साइड्स पे मैं रन कर रही हूँ इसको, ऐसे जहां जहां हम अपने हिसाब से भी थोड़ा हाइलाइटिंग चेंज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि रेफरेंस पिक है तो हम रेफरेंस पिक ही है, सिर्फ हमको उस एकदम उसके हिसाब से ही चलना है ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत हम अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, अब ये यहाँ पे भी मैं लीव्स में वैसा ही सिर्फ टिप्स पे दे रही हूँ लीव्स की। थैंक यू मीनल जी, कैमल ग्लू से ट्राई कर लीजिए आनंदी जी, बट कैमल ग्लू ना कैमल पेस्ट से थोड़ा पतला होता है आई थिंक, तो क्रैक्स के लिए बस थोड़ा सा प्रॉब्लम ना हो आपको। आप घर का जो घोल होता है वो यूज़ करिए ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना, वो यूज़ करके बना लीजिए। मुझे पर्सनली ना स्पॉन्ज यूज़ करना बहुत पसंद है, मैं स्पॉन्ज बहुत यूज़ करती हूँ। अब एक्स्ट्रा पूरा वाइंड ऑफ करके ना, थैंक यू मोनिका जी, थैंक यू शदब जी, बस ये ऐसा ना कहीं कहीं पे हम डैबिंग कर देंगे, इसमें भी लाइट डार्क का इफेक्ट आ जाएगा। इसे तो मैं ब्रश से ही कर देती हूँ, डिफेंस को तो हाईलाइट करना ही है हमको। ओनली गोल्ड लेकर ये मैंने वो ब्लैक एंड गोल्डन मिक्स लिया था, यहाँ मुझे कम लग रहा, बहुत डार्क लग रहा है ना, तो मैंने थोड़ा सा इसको यहाँ
यहाँ पे थोड़ा सा कर रही मैं। थैंक यू दीपशिका जी, थैंक यू। अब मैं क्या कर रही हूँ, गोल्डन ले रही मैं, गोल्डन से ना थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पे बस हम रैंडमली इसको करेंगे टच, सब जगह हमको हाईलाइट नहीं करना, और ब्रश से कलर पूरा वाइंड ऑफ कर देना है। ये पूरा मैं गोल्डन ले रही हूँ ना, ओनली गोल्डन। ज्यादा हो जाता है ना तो तुरंत उसको वाइप करेंगे ना तो वो ठीक आ जाएगा, तुरंत वाइप कर देंगे। ये हो गया हमारा इंस्टेड ऑफ गोल्डन। आप क्या यूज कर सकती हैं सरोज जी? गोल्डन एंड मरून का भी कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है, ट्राई करेंगे अगर तो आप सरोज जी। जैसे मैंने ब्लैक किया है ना, तो आप ब्लैक की जगह वो डार्क मरून ले लीजिए, मतलब उसमें ब्लैक ज्यादा होगा, और फिर उस पे ही ना गोल्डन से ही टच करिए जैसा मैं कर रही, तो वो बहुत अलग कलर और बहुत सुंदर निकल के आता है, बहुत प्यारा कॉम्बिनेशन लगता है गोल्डन एंड मरून। चलिए तो ये हो गई हमारी ये कोई फिश बोलते हैं शायद इसे, है ना, कोई फिश म्यूरल कंप्लीट हो गया हमारा। तो आप सब भी बनाइए और दिखाइए मुझे, और ज़रूर अपडेट करते रहिए, मैं ऐसी अच्छी अच्छी फ्री क्लासेस लेकर आते रहूँगी, आप सब बनाते रहिए, तो आप सबका काम देख के मुझे मोटिवेशन मिलेगा। या पर्शियन ब्लू एंड सिल्वर कॉम्बिनेशन इज़ ऑल्सो वेरी गुड संगीता जी, बहुत बहुत अच्छा लगता है पर्शियन ब्लू एंड सिल्वर। चलिए तो आज का सेशन भी मैं यहीं क्लोज करूँ। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि आप लोगों को मेरा काम कैसा लगा। अब नेक्स्ट सेशन में मैं आप लोगों से मिलती हूँ, एक बार इसको जूम करके दिखा देती हूँ, मैं पास से दिखा देती हूँ। ये देखिए, वन सेकेंड लाइट, अब देखिए वो लाइट के कारण थोड़ा सा और वो लग रहा होगा। अभी देखिए लाइट भी मैंने ऑन की है, कहीं डार्क कहीं लाइट, है ना। चलिए तो फिर ये सेशन मैं क्लोज करती हूँ, मिलेंगे आपसे अब नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। टेक
टिल देन बाय, एंड प्लीज ऑल ऑफ यू स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।